हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल लाना स्टिचिंग में स्वागत है। आज हम बिना अस्तर वाले ब्लाउज पर डिजाइन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए देखिए, हमने मोड़े को काट लिया है। शोल्डर हमारी 5 इंच है, लंबाई हमारी 14 इंच है, चौड़ाई हमारी 10.5 इंच है। 6 इंच पर हमने मोड़े का निशान लगाकर काटा है। अब हम ऊपर से 2.25 इंच गले के लिए लेंगे और गले की डीपनेस हम 9 इंच रखेंगे। तो देखिए, हमने 9 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ से बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर हम गले का शेप देंगे। इस तरह से देखिए, हम गले का शेप दे देंगे और अब हम इसे काट लेंगे। ये देखिए, हमने बीच के पैटर्न को भी काट कर निकाल लिया है। यहाँ पर दूसरे कपड़े को हम डबल फोल्ड कर लेंगे पहले, और उसके बाद हम अपना बीच के पैटर्न को रखते हुए पहले आगे से सेम निशान और पीछे से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए काट लेंगे इसे। तो देखिए, हमने इसे काट लिया है इस पैटर्न को। और यहाँ पर देखिए, पहले हम ब्लाउज के कपड़े को हटा लेंगे। उससे पहले हम कुछ तिरछी पट्टियाँ लिए हैं, इसे आपस में पहले हम जोड़ लेंगे और इसका एक साइड हम सिलाई लगा लेंगे। और फ्रेंड, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करिए। यहाँ पर देखिए, हम पहले ब्लाउज के एक साइड में हम नीचे सिलाई लगा लिए हैं और इसे मोड़ते हुए हम पाइपिंग बना लेंगे। अच्छी तरह से मोड़ते हुए हम पाइपिंग बनाते जाएंगे। तो देखिए, हमने पाइपिंग बना लिया है। इसके दूसरे साइड को भी पाइपिंग हमने लगा लिया है। यहाँ पर देखिए, हमारा जो बीच का पैटर्न है उसे पहले हम तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 2 चौकोर कपड़ा लिए हैं। इसे देखिए, हम इस तरह से पहले त्रिभुज की तरह मोड़ लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने दोनों पीस को मोड़कर त्रिभुज बना लिया है। यहाँ पर देखिए, पहले हम इसके बीच के पैटर्न जो काटा है उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे और इसे पाइपिंग बना देंगे। इसके दोनों साइड हम पाइपिंग बना लेंगे। ये देखिए, आगे और पीछे दोनों साइड हम पाइपिंग बना लिए हैं। ये देखिए, हमारा पाइपिंग बनकर तैयार हो गया है। और यहाँ पर देखिए, हम पहले 20 सेंटर कर लेंगे और 20 सेंटर पर त्रिभुज के दोनों कोनों को मिलाते हुए पहले अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी अटैच कर लेंगे। ये देखिए, हमने अटैच कर लिया है। यहाँ पर देखिए, हम इस तरह से रखते हुए पहले लैस लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड भी लैस लगा लेंगे। ये देखिए, हमने लैस लगा लिया है। अब हम ब्लाउज के गले के ऊपर भी लैस लगा लेंगे। इस तरह से देखिए, ब्लाउज के ऊपर हम लैस लगा रहे हैं। इसी तरह से हम दोनों साइड लैस लगा लेंगे। देखिए, मैं लगा लिया है। और यहाँ पर नीचे का दोनों प्लेट डाल लेंगे। इस तरह से देखिए, हम नीचे का दोनों प्लेट डाल लिए हैं। यहाँ पर देखिए, ब्लाउज का जो हमारा पट्टी था उसे हमने निकाल लिया था, उसे हम पीछे साइड से पहले सिलाई लगा लेंगे और उसे आगे की तरफ इस तरह से देखिए हम ले आएंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, मोड़ते हुए सिलाई लगा लिए हैं। तो देखिए, हमने दोनों तरफ सिलाई लगा लिया है। अब हम देखिए, जो बीच का पैटर्न हमने बनाया है उसे ब्लाउज के ऊपर अटैच करेंगे। तो पहले हमने पिन लगाकर पक्का कर लिया है और अब हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने सिलाई लगा लिया है। इसी तरह से दोनों साइड हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमारा डिजाइन बनकर तैयार हो गया। आपको ये डिजाइन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।